अब्बा जम्मू कश्मीर में मतदान के पहले दौर की फिक्र लेते हैं। 24 सीटों पर 5 घंटे की वोटिंग हो चुकी है। सुबह 11 बजे तक 26.72% वोटिंग हुई है। बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा ले रहे हैं, पुरुष और महिलाएं लंबी लंबी कतारों में देखे जा रहे हैं। डोडा में भी सबसे अच्छा वोट प्रतिशत रहा। जम्मू कश्मीर में सुबह अगर 11 बजे तक देखें तो 26.72% वोटिंग हो चुकी है। अलग अलग जगहों पर लोग अभी भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। अनंतनाग में करीब 16%, बनिहाल में करीब 30% वोटिंग हुई है। 5 घंटे की वोटिंग जो है, सुबह देखिए 7 बजे से ही वोटिंग जो है शुरू हुई थी मतदान, और अभी तक का जो आंकड़ा सामने 11 बजे तक का आया है उसके हिसाब से 26% के करीब करीब लोग मतदान कर चुके हैं। कई दिग्गज जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया है और लोगों में एक बेहद उत्साह, क्योंकि 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में लोग लंबे समय से इस समय का इंतजार कर रहे थे और इस त्यौहार को मनाते हुए बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। अशरफ वानी और मीर फरीद हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मीर फरीद, आप जिस जगह पर हैं, किस तरह के वहां पर हालात दिख रहे हैं, सुरक्षा के लिहाज से बताइएगा, और मतदान प्रतिशत भी रिकॉर्ड तोड़ नजर आ रहा है। जी, सुबह से ही हम यही बात दोहरा रहे हैं कि कैसे ये जो चुनाव है अलग है पिछले चुनावों से, जहां देश के हर एक हिस्से में चुनावों को जो है हार जीत की नजर से देखा जाता है। यहाँ हार जीत तो है, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा रहता था कि क्या सिक्योरिटी की सिचुएशन कैसी रहेगी, कितने लोग जो है बाहर आएंगे, क्या वोटर परसेंटेज होगा, और वो हर बार जो है उससे लोग दुखी ही होते थे। 2008-14 की बात करें तो खासकर दक्षिणी कश्मीर में काफी कम वोटर टर्नआउट होता था, लेकिन आज सुबह से ही जो है फिजा बदली दिखी। हर जगह दक्षिणी कश्मीर में जो है लंबी लंबी कतारें दिखी, मर्द औरत बुजुर्ग सभी लोग जो है बाहर आए हैं, और जिससे भी बात करो वो कहता है कि हमें अपने वोट की अहमियत पता चल चुकी है, हम वोट देंगे, बदलाव चाहते हैं। जहां सड़क बिजली पानी और बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मसला है, वहीं अपनी इज्जत के लिए डिग्निटी के लिए जो है वो भी बहुत जरूरी है कि आप वोट दें। सिक्योरिटी की आपने बात की तो सुरक्षा बल जो है कोई भी चीज हल्के में नहीं ले रहे, 3 टायर सिक्योरिटी है, पुलिस संभाल रही है, और उनको 900 कंपनियां दी गई हैं पैरामिलिट्री की पूरे जम्मू कश्मीर में, जिनकी डिप्लॉयमेंट है। हालांकि बंदूक का साया हमने इस इलेक्शन पे नहीं देखा, लेकिन सुरक्षा बलों को अपनी ड्यूटी करनी है और वो जो है मुस्तैदी से अभी निभा रहे हैं। ठीक है, अशरफ भी हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अशरफ, वहां बढ़ चढ़ कर लोग देखिए हिस्सा ले रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ मतदान यहां पर करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। एक खासा उत्साह है क्योंकि 10 साल बाद देखिए उनको वो अधिकार मिल रहा है जिसके लिए उनको 10 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा है। अर्पिता, दरअसल अगर हम देखें तो जो मत प्रतिशत अभी 11 बजे तक जो आपने बताया कि करीब 27% मतदान हुआ है सभी जम्मू कश्मीर के 24 विधानसभा क्षेत्रों में औसत मिला के, तो लेकिन उत्साह जो है लोगों में कम नहीं हो रहा है। मैं पांपुर विधानसभा क्षेत्र के जो कि पुलवामा जिले में आता है, वहाँ पर मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि किस तरह से यहाँ पर लोग एक त्यौहार की तरह जो है इस मतदान को ले रहे हैं। सुबह से ही हमने देखा अलग अलग पोलिंग बूथ्स पर हम गए, लोग आ रहे हैं आराम से, बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के, और अपने मत अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ख्रिव पुलवामा का मतदान केंद्र है, 5 मतदान यानी वोटिंग सेंटर्स इस केंद्र में हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं बुजुर्ग, जवान लोग, महिलाएं, खासतौर से महिलाओं की भागीदारी जो है वो कहीं ना कहीं इन चुनावों को काफ़ी दिलचस्प बना रही है। हम एक मतदाता से बात करेंगे जो अभी अपना मताधिकार इस्तेमाल करके, आपने वोट डाला जी, कहाँ पर आपका निशान लगा है? चलिए बहुत बढ़िया है, आपने तो मुझे बताइए, आपने कई चुनावों में वोट डाला होगा, इन चुनावों में कुछ आपको अलग क्या दिखा? खौफ कोई नहीं, डर नहीं है? कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। जिसको अपनी मर्जी से जिसको डालना था उसने डाला, बाकी इंसान को देखना है, आदमी को देखना है कि कौन अच्छा है, कौन क्या, कौन किस तरह काम करता है। तो क्या आपको उम्मीदें हैं, क्या क्या मसले हैं जो आपके इस इलाके में हैं? ठीक है, हमारे मसले तो बहुत है। ठीक है, तो यहाँ बढ़ चढ़ कर लोग जो है इस त्यौहार का हिस्सा बन रहे हैं।